हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। जैसा कि आप सब वेट कर रहे हैं कि SBI क्लर्क प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं आया है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के भी काफ़ी टाइम निकल गया है, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और काफ़ी टाइम निकल गया है। बहुत से कैंडिडेट ये वेट कर रहे हैं कि हमने इतने अटेम्प्ट किए हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर हम मेंस की तैयारी करें या ना करें। तो अभी तक अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो SBI का जो रिज़ल्ट है प्रीलिम्स का वो कब आएगा ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि SBI प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है वो बहुत 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 ज़्यादा डिले हो चुका है। क्योंकि SBI का एग्ज़ाम सबसे पहले हुआ था, उसके बाद RRB PO का एग्ज़ाम, RRB क्लर्क का एग्ज़ाम लेकर उनके प्रीलिम्स के रिजल्ट आउट कर मेंस के एडमिट कार्ड भी PO के तो आ गए हैं और क्लर्क का भी आपका एडमिट कार्ड आ ही जाएगा मेंस का। लेकिन अभी तक SBI क्लर्क का जो रिज़ल्ट है प्रीलिम्स का वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेड डेट कब तक आ सकता है, वैसे तो ये कहना गलत होगा कि कब तक आ सकता है या कल आ जाएगा या परसों आएगा, क्योंकि अभी ऐसा किसी को नहीं पता। क्योंकि SBI ने ना एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम आप जो रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे तब करेंगे या उस डेट को करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर भी मुझे अगर लगता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कल तक यानी कि 15 तारीख तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है, क्योंकि उसके बाद 10 से 15 दिन आपको मेंस के लिए दिए जाएंगे। तो इसी महीने के अंदर जो है आपका SBI का जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्लर्क की जो पेपर कंडक्ट कराने का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका मेंस का रिज़ल्ट आना रहेगा। तो आप ये मान सकते हैं कि आपका कल या परसों में आपका जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और बैंकिंग न्यूज़ से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।